चैप्टर वन देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन पे सवाल जवाब देखेंगे। पहला है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कौन से इसमें इनकरेक्ट है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इनकरेक्ट बताना ध्यान रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखिए लेड ऑक्साइड तो रिड्यूस हो रहा है ना, और कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए कार्बन जो है वो CO2 बन रहा है, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं तो ऑक्सीडाइज कैसी होगी। तो ये यहाँ पर आपका कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका जो इनकरेक्ट है वो ए और बी है, ये दोनों आपके इनकरेक्ट है। Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। ये जो आप यहाँ पर एक रिएक्शन देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल रिप्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट कैसे? इस Fe को, आयरन को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दे रहा है, तो Fe2O3 की जगह आप Al2O3 देख रहे हैं और एल्यूमिनियम की जगह आपका Fe यानी कि आयरन आ रहा है। वट हैपन्स वेन डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्या होता है जब डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप आयरन फिलिंग यानी आयरन जैसे Fe है इसके साथ ऐड करते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका आता है ये वाला, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। इसका अगर इक्वेशन देखें देखना चाहें, देखिए आयरन होता है Fe और HCl हमने यहाँ पर लिखा 2HCl, तो ये FeCl बना लेगा और ये H2 बना लेगा, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपको मिल रही है और आयरन क्लोराइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। वॉट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है एंड वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग का मतलब क्या है और अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसका क्या मतलब है? एक रिएक्शन जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो बराबर नंबर के एटम्स होते हैं सारे एलिमेंट्स के, दोनों साइड में आपके होने चाहिए। अगर यहां पर Fe2 है तो यहां पर 2Fe होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहां पर 2Fe है और यहां पर एक ही Fe दिख रहा है आपको, ये बैलेंस नहीं कहलाएगा। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ऑफ मास है ये बताता है कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो जो टोटल मास होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया दो है, तो टोटल मास जो रिएक्टेंट का होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए जो प्रोडक्ट में आए। अगर यहाँ पर 2Fe है तो यहाँ पर भी 2Fe होगा, चाहे वो Fe2 इस तरीके से लिखें आप या 2Fe लिखें कॉम्बिनेशन में लिखें। इसका मतलब जो टोटल नंबर एटम है हर एक एलिमेंट के वो बाएं हाथ में LHS में रिएक्शन के और RHS में राइट हैंड साइड में बराबर होने चाहिए। तो ये जो रिएक्शन आप कह रहे हैं और ये रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही कारण है कि बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस होने चाहिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस। इन सबको आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, केमिकल इक्वेशन बनाना है और हम बैलेंस भी करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस, देखिए सबसे पहले तो आप इस तरीके से बना दीजिए, जैसे मैं एक बना के दिखाता हूँ बाकी हम साथ में कर लेंगे। हाइड्रोजन है H2, ये कंबाइन कर रहा है N से, नाइट्रोजन से, और अमोनिया बन रहा है। हम जानते हैं अमोनिया होता है NH3, इस तरीके का कुछ होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर H2 ये और N2 लेता हूँ, H2 और N2, और मैं जानता हूँ NH3 बनना है, तो मैं इसको किस तरीके से बैलेंस करूँगा? अगर मैं 3H2 लिखता हूँ और इसको ट्वाइस कर देता हूँ तो ये ट्वाइस NH3 2N भी आ गए और 3 × 2 = 6H भी आ गए, ऐसे बनेगा। ये गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में होते हैं जनरली, और ये आपका अमोनिया भी गैशियस फॉर्म में होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, ये गैस बर्न्स इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, आपको मिलता है वाटर और सल्फर ऑक्साइड, वाटर मतलब H2O, सल्फर ऑक्साइड मतलब SO2। तो इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, आपको बस देखना है कि H दोनों साइड में बराबर हो, ऑक्सीजन बराबर हो, S बराबर हो। बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 thrice, ये आपको देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 और साथ में बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे,
आप देख रहे हैं यहाँ बी ए है, यहाँ बी ए है, थ्री बी ए करेगी क्योंकि सी एल टू है और क्योंकि थ्री इसके आगे लग गया, तो यहाँ आपको, यहाँ भी आपको एल सी एल थ्री में ट्वाइस ए एल चाहिए और यहाँ पर टू ए एल है तो ये टू ए एल हो जाएगा और इसी तरीके से आपका एस ओ फोर भी तीन आ जाएगा। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम टू के ये रिएक्ट कर रहा है वाटर से, टू एच टू ओ से, ये आपको दे रहा है के ओ एच यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इसमें ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस का तरीका ये है कि आपको देखने कितने एच यहाँ है कितने एच यहाँ, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर दो एच है, यानी तीन एच आपके लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ कितने हैं, यहाँ पर आपके पास दो एच है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से इसको ट्वाइस करना पड़ेगा या इसको ट्वाइस करना पड़ेगा और इसको थ्री करना पड़ेगा ताकि थ्री टू से सिक्स आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू लगा देंगे, टू एच हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप क्योंकि एच हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम टू एच करेंगे और टू एच टू एच ये टू टू से फोर से टू टू से फोर हो गया ये और फोर, यहाँ पर हमको टू एच मिल गया और यहाँ पर भी टू एच मिल गया तो फोर हो गया, दोनों जगह बैलेंस हो गया, बाकी को करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब NaOH H2SO4 Na2SO4, तो Na2 यहाँ पर है तो आपको तो पहली बात है इसको 2 करना ही पड़ेगा, 2NaOH हो जाएगा और Na2SO3 यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर H2 देख रहे हैं, यहाँ पर भी H2 है, O4 है यहाँ पर, तो O4 आपको यहाँ मिल गया, तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर केवल ट्वाइस करने से काम चल जाएगा। NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, अब Na एक यहाँ है, Na एक यहाँ पर है, N यहाँ पर एक है, N यहाँ पर एक है, Ag यहाँ पर एक है, Ag यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन तीन है, ऑक्सीजन तीन है, तो इसमें बैलेंस की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। बी ए सी एल टू एच टू एस ओ फोर और बी एस ओ फोर एच सी एल, बी ए एक एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन एक एक है यहाँ पर हाइड्रोजन, राइट, तो आपको इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन चाहिए आपको, क्लोरीन यहाँ दो है, आप ट्वाइस करने से क्लोरीन भी दो हो गया, बाकी ये बैलेंस हो गया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीधे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हम जानते हैं, तो इसका जो फॉर्म है वो तो हम लिख देंगे, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट सी एस सी ओ थ्री होता है, ऐसे वाटर एच टू होता है, ये तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच थ्री होता है, सो एच टू सॉरी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सी एस सी ओ थ्री एच टू। अब देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पर सी ए एक है, यहाँ सी ए एक है, एच दो है, एच दो है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन चार है, तो दो और दो ये चार। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं लिखूं जिंक, जिंक की जगह ZN, सिल्वर नाइट्रेट की जगह AgNO3, ऐसे जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और सिल्वर की जगह मैं Ag लिख सकता हूं। अब यहां पर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा इसको बराबर करना पड़ेगा। पहली चीज तो यह है कि ZnNO3 ट्वाइस होता है, क्योंकि ZN जो है वो टू मतलब प्लस टू होता है यहां पर जिंक के ऊपर पावर, तो यहां पर NO3 का ट्वाइस करना पड़ेगा। अब NO3 ट्वाइस हो गया तो यहाँ पर आपको ट्वाइस कर देना पड़ेगा और क्योंकि Ag ट्वाइस हो चुका है तो यहाँ पर भी 2 Ag करना पड़ेगा। अगला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड CuCl2 हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 हो गया और कॉपर आपका Cu हो गया। अब इसमें बैलेंसिंग इस तरीके से होगी क्योंकि AlCl3 Al हमेशा प्लस 3 होता है तो Cl क्योंकि माइनस होता है एक, तो यहाँ पर 3 करनी पड़ेगा आपको, तो इसलिए AlCl3 किया। अब जैसे आपने 2Al किया यहाँ पर भी आपको 2Al करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ 3Cl देख रहे हैं, यहाँ पर 3 क्योंकि CuCl2 है और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, बाकी आप यहाँ बैलेंस हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब जैसे ही आप KCl करेंगे देखिए यहाँ पर 2K है, यहाँ पर ट्वाइस करेंगे, बस इतना ही बैलेंस करना है, ट्वाइस यहाँ लगाना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है इनकी और आपको रिएक्शन भी बताना है किस टाइप का रिएक्शन है। पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr, बेरियम आयोडीन BaI2, बेरियम प्लस टू होता है, आई का माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा। पोटेशियम आयोडाइड 2K और बेरियम क्लोराइड होता है BaBr2। अब देखें इसमें पहले तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे, यानी कि हमारे पास जो जो है वो, खैर बैलेंसिंग मैं बता चुका हूँ इसलिए हम डायरेक्ट इसको समझेंगे। ये जो तरीका है या जो टाइप का रिएक्शन है उसे हम कहते हैं डबल रिप्लेसमेंट। के को देखिए, के इसके साथ आ गया और बी ए बी आर इसके साथ आ गया,
अगला है जिंक कार्बोनेट, जी जेड एन सी ओ थ्री, जिंक ऑक्साइड है जेड एन ओ और कार्बन डाइऑक्साइड है सी ओ टू। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, क्यों? क्योंकि आप सी ओ टू जहाँ रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और जेड एन जो है जेड एन ऑक्साइड बना रहा है कार्बोनेट की जगह, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन एच टू होता है, क्लोरिन सी एल टू होता है, इसको कंबाइन करेंगे तो एच सी एल बनेगा, क्योंकि ये दो दो है इसलिए ट्वाइस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब ये क्या है, एच और सी एल दोनों मिलकर एच सी एल बना रहे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ये। अगला है मैग्नीशियम एम जी, हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड आपका एम जी सी एल टू और हाइड्रोजन एच टू। अब इसमें आपको बस ये जो दो एच टू है इसकी जगह यहाँ ट्वाइस कर देना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एच टू फॉर्म में होता है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, एम जी ने सी एल के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया और एच टू रिलीज हुआ। जहाँ इस तरीके से होता है कि आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया इसको यहाँ से और ये इसके साथ जुड़ गया, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। जहाँ पर हीट निकलती है और जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, जहाँ हीट निकलती है एक्सोथर्मिक, जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक। अगर आप किसी जगह रिएक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी एक बर्नर में कर रहे हैं या किसी फनल में कर रहे हैं, और आप हाथ नीचे लगाएंगे तो आपको गर्म होगा, अगर गर्म महसूस होगा एक्सोथर्मिक है, और ठंडा महसूस होगा अगर एंडोथर्मिक है। तो केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करते हैं हीट, लाइट या साउंड फॉर्म में, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन जो अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को और जो एनर्जी चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़े, उनको एनर्जी चाहिए, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं एक्सोथर्मिक का रिएक्शन बताऊँ, तो सोडियम और क्लोरीन को हम मिलाएं तो हमको सॉल्ट मिलेगा NaCl, और इसके साथ इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए ये एक्सोथर्मिक हुआ। अगर हम फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लें, तो प्लांट इस एनर्जी को, जो एनर्जी है सन की, उसको उसके हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, उसको यूज़ करके कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यानी CO2 और H2O मिल के सनलाइट आती है, यानी कि इनको सनलाइट की एनर्जी चाहिए, और वो कन्वर्ट करता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज में और 6 CO2 यानी कि ऑक्सीजन में। Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. आप कभी भी अपनी सांस जब छोड़ें तो आपने हाथ रखिए, आपको क्या गर्म सांस मिलेगी? अब अगर चश्मा साफ करना चाहते हैं तो उसमें ऐसे करिए तो आपको भाप दिखाई देगी, उस भाप से आप चश्मा साफ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हीट दिख रही है, एक्सोथर्म दिख रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है अगर आपकी हमारी सपोर्ट सिस्टम है लाइफ का, चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, किसी के लिए भी हो। तो हमारी जो शरीर में एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है? जहाँ से जो हम खाना खाते हैं वहाँ से आती है। तो डाइजेशन के समय बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है खाने के, उनको ब्रेक किया जाता है, वो टूटते हैं बहुत छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ये कॉम्बाइन करता है, मिलता है ऑक्सीजन से सेल्स में और हमको एनर्जी देता है। तो जो एक बड़ा स्पेशल नेम है इस कंबशन का, इसी को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। एनर्जी जो रिलीज होती है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तब ये भी हमने देखा कि एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो हमने ये ग्लूकोज देखा C6H12O6 और इसके साथ हम 6 CO2 यानी मान लीजिए ऑक्सीजन मिला रहे हैं। 6 केवल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, यानी आप समझिए कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वाटर निकली, साथ में एनर्जी भी है। एनर्जी के कारण ही आप देखेंगे कि आपका रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे अपोजिट है, और आपको इक्वेशन भी बतानी है इनकी। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो ऐसे रिएक्शन होते हैं उसमें कंपाउंड टूटता है, ब्रेक होता है एक, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में। जैसे कंपाउंड है तो ये टूटेगा, यानी कि पूरा कंपाउंड है, HCl है तो H और Cl में हो जाएगा इस तरीके से। तो ये रिएक्शन में ये एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए प्रोसीड आगे बढ़ने के लिए। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं कंबाइंड रिएक्शन के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे H और Cl है ना, मैंने कहा H और Cl टूट जाते हैं, अगर हम H2 और Cl2 को अलग अलग मिलाते हैं तो वो मिलके HCl बनाएंगे, यानी कंबाइन हो जाएंगे, एक नया सब्सटेंस बनता है और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो जैसे मान लीजिए ए और बी आपके एक दो एक कंपाउंड बना रहे हैं, उस कंपाउंड ने जैसी एनर्जी ली ए और बी अलग अलग हो गए। जैसे अगर एच2ओ की बात करें और हम इलेक्ट्रोलिसिस हम देख चुके हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ए और बी ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये कंबाइन होकर कंपाउंड बन रहे हैं और साथ में एनर्जी भी रिलीज कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे H2O बनेंगे और एनर्जी आपकी रिलीज होगी, यहाँ इनको एनर्जी चाहिए, इसलिए डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन अलग अलग रिएक्शन है, अपोजिट है। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर एनर्जी मतलब आपको इक्वेशन लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहां पर एनर्जी सप्लाई हो रही है, एनर्जी लेनी पड़ रही है या हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो ये क्योंकि तीनों का एग्जांपल पूछा था, एक एक करके करेंगे। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट की बात करें। आप देखिए FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, ये जो फेरस सल्फेट है ये जैसी आप इसमें हीट देंगे, ये हीट का मतलब ये इसको हीट से शो करते हैं ऐसे ट्राइंगल। Fe2O3 बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होगा। ऐसे लाइट की बात करेंगे तो अगर हम लाइट दें AgCl में मतलब सिल्वर क्लोराइड में, तो सिल्वर अलग क्लोरीन अलग हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो Al2O3 में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो Al अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है? देखिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है कंपाउंड से, राइट। जैसे मैंने कहा ए प्लस बी एक्स, अब ए प्लस बी एक्स में क्या होगा, ए बी को रिप्लेस कर देगा तो बी अलग हो जाएगा, तो ए एक्स कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ए एक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा और बी अलग हो जाएगा। तो ए क्योंकि ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो एटम या ग्रुप एटम का ग्रुप ये अपनी जगह स्विच कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं नए कंपाउंड। जैसे ए बी और सी डी है तो ए डी के साथ कंबाइंड हो गया, बी सी के साथ कंबाइंड हो गया। जैसे आप देखिए CuSO4 और ZN की बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मैं पहले का बता रहा हूँ। इसमें ZN ज़्यादा रिएक्टिव है CU से तो ZN CU की जगह ले लेगा और CU अलग हो जाएगा, यानी ZnSO4 और CU। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्योंकि ये भी अपना अलग ग्रुप ऑफ या दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी आपका ग्रुप ऑफ एटम है, तो यहाँ पर Na जो है वो अलग हटके Cl के साथ चला जाएगा, Ba जो है SO4 के साथ आ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट आपको और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। यहाँ जो सिल्वर की रिफाइनिंग होती है उसमें रिकवरी सिल्वर की सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से इसमें एक डिस्प्लेसमेंट होता है कॉपर मेटल द्वारा, आपको रिएक्शन बताना है इसमें। देखिए ये AgNO3 है क्योंकि इसे दिया हुआ है उन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, उन्होंने कहा कि जो कॉपर मेटल है उसको यूज़ करते हैं CU को, तो इससे क्या होता है कि CU यहाँ आ जाता है, Ag यहाँ आ जाता है, तो CuNO3 कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर अलग हो जाता है। ऐसी यही रिफाइनिंग है सिल्वर की। What do you mean by precipitation reaction? Precipitation reaction क्या होता है, इसका आपको example भी देना है। एक ऐसा reaction जिसमें एक insoluble solid, जिसको हम precipitate भी कहते हैं, जो insoluble होता है यानी कि जो solvent में नहीं मिलेगा उसको हम insoluble solid कहते हैं। तो एक ऐसा reaction जिसमें precipitate या insoluble solid वो पैदा होता है, वो form होता है, उसे हम कहते हैं precipitate या precipitation reaction, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेशन मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है। जैसे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को आप कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम और क्लोराइड साथ में मिल जाएंगे और Na और Cl साथ में मिल जाएंगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में जो CaCO3 आपको मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, ये प्रेसिपिटेट होता है, इसीलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। एक और एग्जाम्पल हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का लेंगे, Na2SO4 और BaCl2 को मिलाएंगे तो Ba चला जाएगा SO4 के साथ और Na चला जाएगा आपको Cl के साथ, यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलेगा, लेकिन इसमें जो आप बेरियम सल्फेट आपको मिल रहा है ये आपका प्रेसिपिटेट है, दिस इज प्रेसिपिटेट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स ईच। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आपको इस तरीके से बताना है
यहाँ पर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का। देखिए अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। कैसे मैं बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने अगर कंबाइन किया हाइड्रोजन से, तो उस कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, साथ में वाटर बना रहा है। तो हमने जैसे ही एडिशन किया ऑक्सीजन का, दिस वन ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लें तो सी यू और ओ कंबाइंड होकर सी यू ओ बन रहे हैं, यहाँ यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये जो पहली इक्वेशन में है इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि पानी, वाटर कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि सी यू जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है सी यू ओ से, दोनों ही केस में ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी लॉस हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन गेन हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन लॉस हो रही है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप H2 से मिलाएंगे तो CO बनेगा और H2O बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम ही रिएक्शन है, ये और ये सेम रिएक्शन है, इससे एक ही रिएक्शन में दो चीज़ हो रही है। आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। और दूसरा एक एग्जाम्पल लूँ तो CO को अगर हम H2 के साथ कंबाइन करें और हीट दें इसको, तो CO अलग हो गया, ऑक्सीजन इससे चली गई और वाटर बन गया। तो पहली जो इक्वेशन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है CO में, और दूसरे में जो CO है कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जा रहा है केवल कॉपर में। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। एक बहुत बेहतरीन शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, जैसे उसको आपने हीट किया एयर में, हवा में, तो वो ब्लैक हो जा रहा है। आपको ये एलिमेंट एक्स बताना है और जो ब्लैक कलर्ड, जो ब्लैक उसको बना रहा है कंपाउंड, वो क्या होता है। तो एक्स ये कॉपर है इस जगह पे, और जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बन रहा है वो है कॉपर ऑक्साइड, वो काले कलर का होता है, इस तरीके से वो काला कलर ले लेता है। जो इक्वेशन है इस रिएक्शन का, जो कॉपर को हीटिंग में जो मिल रहा है आपको रिएक्शन, जो के बाद ब्राउन कलर्ड एलिमेंट मिल रहा है, ब्राउन कलर एलिमेंट को आप ब्लैक कलर्ड बना रहे हैं, तो आप देखिएगा इसमें कि अगर मैं कॉपर को ऑक्सीजन में जलाता हूँ, कॉपर अपने आप में शाइनी ब्राउन कलर होता है, हीट प्रोवाइड करते ही ये ब्लैक हो जाता है, क्योंकि सी यू ओ कॉपर ऑक्साइड ये आपका ब्लैक कलर कंपाउंड होता है। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स या आयरन के जो भी पदार्थ है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उन पे हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए अगर मैं इस तरीके से आयरन रॉड रख दूँ, राइट, और वो अगर हमने पेंट नहीं किया तो क्या हो, क्योंकि अगर हम पेंट इसको करेंगे तो ये रस्टिंग से बचता है। जब हम इसको पेंट करेंगे तो ये आयरन पार्टिकल जो है मॉइस्चर, बाहर मॉइस्चर होता है, एयर है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे आपके गैसेस हैं, उनके साथ आयरन रिएक्टिव होता है, ये कंबाइन करने की कोशिश करता है। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग मतलब ये है कि ऑक्सीजन वगैरह से मिल के ये ऐसा पदार्थ बना देता है जो आपको आयरन के ऊपर दिखाई देगा, जो रस्ट होता है, तो इस कारण से हम इसे पेंट करते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई। जो तेल और वसा, ऐसे फूड आइटम जिसमें तेल और वसा होता है, उनको फ्लश किया जाता है नाइट्रोजन से। क्यों? नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, इसका मतलब वो बहुत आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट है, वो शांत है, ज़्यादा रिएक्शन में विश्वास नहीं करती। जबकि ऑक्सीजन ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट करता है, चाहे वो फूड सब्सटेंस हो, और जैसे ही फैट फूड सब्सटेंस से मिलता है वो आपको रैंसिड बना देता है, राइट। तो क्योंकि जो बैग्स होते हैं जिसमें हम पैक करते हैं फूड आइटम को, इसमें हम डालते हैं या फ्लश करते हैं नाइट्रोजन गैस। इसको फ्लश इसलिए करते हैं ताकि ऑक्सीजन बाहर निकाल जाए, अगर ऑक्सीजन इसमें रहेगी तो फूड सब्सटेंसेस खराब हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी इसके साथ और नया पदार्थ बना देगी। तो एक बार जब उस पैक से ऑक्सीजन निकल गई तो जो रैंसिडिटी है, चाहे ऑयल की हो चाहे फैट की हो, वो उसको अवॉइड किया जा सकता है जो ऑक्सीजन के मिलने से बन सकता है। आपको ये टर्म्स बताने हैं एग्जांपल के साथ, कोरोजन और रैंसिडिटी। देखिए सबसे पहले कोरोजन का मतलब समझिए, कोरोजन का मतलब ये होता है कि जहां पर जो भी आपकी मटीरियल है, खासतौर पर मेटल्स जो होते हैं,
वो डिटेरियरेट होते हैं, यानी खत्म होते हैं जो उनका केमिकल रिएक्शन हो रहा हो बाहर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। उस एटमॉस्फेयर में एयर आता है, मॉइस्चर आता है, और भी केमिकल्स आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आयरन Fe, जैसे ही इसके साथ मॉइस्चर यानी कि वाटर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलता है, तो ये क्या बना देगा, ये एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देगा, यानी कि Fe2NO3 और जितना भी NH2 है। तो ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है ये कुछ नहीं है, ये रस्टिंग ही है, ये रस्ट है, इसे हम करोजन कह रहे हैं। इसी को बचाने के लिए पेंट वेंट किया जाता है, और भी इस तरह की तकनीकें हैं। रैंसिडिटी, फैट या ऑयल, तेल और वसा का जो ऑक्सीडेशन होता है, जो आप उसके उसको आप टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, खराब सा हो रहा है, या कुछ स्मेल आ रही है उसमें, वो रैंसिडिटी होती है। क्योंकि ये कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन तो हर जगह है, ऑक्सीजन इनके साथ मिल जाती है और इसको खराब करती है, या फिर खराब क्या कहें, इसका फॉर्म चेंज करती है। जो टेस्ट, जैसे जो अगर आप उसको चखेंगे या उसको स्मेल लेंगे, अगर बटर है यानी मक्खन है, अगर बहुत देर तक या बहुत समय तक इसको रखा आपने, तो टेस्ट और स्मेल उसका चेंज हो जाएगा। तो आप रेंसिडिटी को अगर हटाना चाहते हैं तो या तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, उसको फ्रीज करें, या फिर उसको फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर में रखें जहाँ पर आपको उसको ठंडक मिले। एंटीऑक्सीडेंट आप उसमें मिला सकते हैं, और अगर नाइट्रोजन में रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस डिस्कशन के टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।